हेलो एवरी वन आई होप माई वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू इन यूर आर स्पीकिंग प्रेपरेशन एंड टूडे आई एम हेयर विद अ न्यू क्यूकार टॉपिक एंड द क्यूकार्ड इज डिस्क्राइब समथिंग दैट सरप्राइज यू एक ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करो जिसने आपको सरप्राइज फील करवाया हो एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यूकार्ड आर वट इट इज़ कौन सी वो थिंग है हाउ यू फाइंड आउट अबाउट इट कैसे आपको उस चीज़ के बारे में पता चला बट यू डिड आपने क्या किया एंड एक्सप्लेन वैदर इट मेड यू हैप्पी और एक्सप्लेन करो क्या इस चीज़ ने इस सरप्राइज ने आपको हैप्पीनेस फील करवाई या नहीं एंड द सैम्पल आंसर फॉर दिस क्यू कार्ड इज़ यूजली आवर वन गेट्स अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज इन हिज और हर लाइफ ज़्यादातर हर एक पर्सन को अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज अपनी लाइफ में मिलते रहते हैं समटाइम्स द सरप्राइजेज आर प्लाजेंट बट इट ऑल्सो कैन बी डावोस्टेटिंग कभी कभार तो सरप्राइजेज जो है खुशी देते हैं मगर ये सरप्राइजेज जो हैं ये हमको ग्रीफ भी दे सकते हैं आई एम ऑल्सो गेट न्यूमर सरप्राइजेज़ इन माई लाइफ मुझे अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेज़ मिले हैं बट हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सरप्राइज़ मगर जहाँ पर मैं उस सरप्राइज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ दैट आई गॉट ऑलमोस्ट फोर ईयर्स अगो जो मुझको ऑलमोस्ट चार साल पहले मिला वैन मैं टेंथ क्लास एग्ज़ाम्स वर ओवर जब मेरे टेंथ क्लास के एग्ज़ाम ओवर हो गए आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट आई पास द एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ़ द रिनाउंडूल ऑफ माई लोकेलिटी मैं हैरान हो गया ये देखकर कि मैंने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था रिनाउंड स्कूल का मेरी लोकेलिटी का वो पास कर लिया था हमने फर्स्ट बुलेट पॉइंट कवर कर दिया वट इट इज़ और नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द आंसर ऑफ द सेकेंड बुलेट पॉइंट हाउ यू फाइंड आउट अबाउट इट आपको उस सरप्राइज़ के बारे में पता कैसे चला ऑल दो बाई बर्निंग मिड नाइट ऑयल इट इज़ एन डो विच मीन्स टू स्टे अप लेट एट नाइट वर्क और स्टडी आई रिवाइज द होल सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे रात को लेट जा मैंने स्टडी करके अपना पूरा सलेबस रिवाइज कर लिया जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए था जेट माई एग्जाम वॉज नॉट वेल फिर भी मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया आई गॉट कन्फ्यूज टू सी द क्वेश्चन पेपर मैं कन्फ्यूज हो गया था क्वेश्चन पेपर को देख कर आई लॉस्ट माई हार्ट इट इज़ अगेन आनी डो विच मीन्ज लॉस्ट द होप टू गेट एडमिशन इन द स्कूल मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझको एडमिशन मिलेगी स्कूल में विच वॉज़ माई ड्रीम फ्रॉम माई चाइल्ड हुड फॉर माई सीनियर सेकेंडरी जो मेरा ड्रीम था मेरे चाइल्ड हुड से ही मेरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए आई वॉज श्योर अबाउट द सो वैन द रिज़ल्ट वॉज डिक्लेयर्ड आई डिडेंट चेक इट मैं श्योर sure था रिज़ल्ट को लेकर सो so इसलिए जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ मैंने चेक ही नहीं किया बट इन द इवनिंग ऑफ दैट डे माई फ्रेंड केम टू माई हाउस ही वॉज रियली ट्सड मगर इवनिंग को मेरा फ्रेंड मेरे घर पर आया और वो काफ़ी परेशान था ही टोल्ड मी दैट ही क्लियर द एग्जाम बट यू लॉस्ट इट जस्ट विद वन मार्क्स उसने मुझको कहा कि मैंने तो एग्जाम क्लियर कर लिया है मगर तुम नहीं क्लियर कर पाए क्योंकि तुम्हारा एक मार्क्स जो था वो कम था आई फेल डाउन इन द टर्म्स इट इज़ अगेन एन एडियम विच मीन्स एक्सट्रीमली सैड मुझे काफ़ी सैड फील हुआ एनी टोल्ड मी टू चेक द रिज़ल्ट और उसने मुझको कहा कि तुम रिज़ल्ट चेक करो आई रिफ्यूज मैंने मना कर दिया बट ऑन द इंसिस्टेंस आई चेक डिट मगर जब उसने मुझको इंसिस्ट किया फिर मैंने रिजल्ट को चेक किया द थर्ड वन बुलेट क्वाइंट इज वट यू डिड आपने क्या किया आई जम्प्ट आउट ऑफ माई स्किन इट इज़ एन एडियम विच मीन्स सडनली सरप्राइज मैं मुझे को सरप्राइज फील हुआ टू सी दैट आई पास द एंट्रेंस एग्जाम ये देख कर कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम जो था वो पास कर लिया था माई पेरेंट्स एंड आई फेल्ट बोथ फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ अगेन एन एडियम विच मीन्स वेरी हैप्पी माई फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग मी एंड आई थैंक टू माई फ्रेंड फॉर गिविंग मी सच अग सरप्राइज मेरे फ्रेंड ने मुझको कंग्रेचुलेट बोला और मैंने उसको थैंक यू बोला कि इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए वी ऑल वेंट टू द स्टोन्स थ्रो अवे इट इज़ अगेन आडियो विच मी इज एट शॉर्ट डिस्टेंस रेस्टोरेंट टू इंजॉय द विक्ट्री इंजॉय करने के लिए विक्ट्री को हम स्टोन्स थ्रो अवे जो रेस्टोरेंट था वहाँ पर गए वी ऑल्सो डिड डांस हमने डांस भी किया एंड द लास्ट वन बुलेट पॉइंट था हमारा कि क्या उस सरप्राइज ने आपको खुशी दी दैट मोमेंट वॉज लाइक अ मेरे कल्फार मे वो मेरे लिए चमत्कार की तरह था मूवमेंट एंड वॉज वन ऑफ द हेपियस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ और मेरी लाइफ के हैप्पीस्ट मोमेंट्स में से एक था At that day my dream came true. उस दिन मेरा dream सच हुआ. So it was a surprise that I can't forget in my life. So यही मेरा surprise था जो मैं अपनी life में कभी भी नहीं भूल सकता हूँ. So the sample answer is complete now. Now I'm going to share with you the follow-up questions. And the first one is, what are some things that made you feel happy? कौन सी कुछ things हैं जो आपको खुश कर देती हैं? And the answer is there are not any specific things. कोई specific things नहीं हैं that made me happy जो मुझको खुश करती हैं. एक्चुअली आई गेट प्लाजर फ्रॉम द स्मॉल थिंग्स मुझे छोटी छोटी थिंग्स से भी खुशी फील होती है सच एज जैसे कि वन माई मॉम मेक्स द फूड ऑफ माई चॉइस जब मेरी मॉम मेरी चॉइस का फूड बनाती है अ न्यू ड्रेस कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम माई फ्रेंड कोई न्यू ड्रेस मिलती है मुझको कॉम्प्लीमेंट देती है मेरी फ्रेंड अ स्मॉल डिस्काउंट ऑन न्यू थिंग्स और जब मुझको डिस्काउंट मिलता है न्यू थिंग्स पर अपार्ट फ्राम इट इसके अलावा वैन आई वैन आई गो टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स जब मैं घूमने फिरने के लिए बाहर जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ आई फील हैप्पी मैं खुश फील करता हूँ एंड द सेकेंड वन क्वेश्चन इज हाउ वुड यू डिफाइन हैप्पीनस आप हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करोगे एंड आंसर इज हैप्पीनेस इज़ आ स्टेट ऑफ इमोशनल वेल बींग हैप्पीनेस जो है वो स्टेट है इमोशनल वेल बींग की दैट अ पर्सन एक्सपीरियंस इज वन गुड थिंग्स हैपन इन हिज और हर लाइफ जो पर्सन एक्सपीरियंस करता है जब उसकी लाइफ में कुछ अच्छी थिंग्स होती हैं डिफरेंट पीपल एक्सप्रेस दप्पीनेस इन डिफरेंट वेज डिफरेंट लोग अपनी हैप्पीनेस को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस करते हैं एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज डू यू थिंक आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ कैन मेक पीपल हैप्पी क्या आपको लगता है आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो लोगों को हैप्पी कर सकती हैं वाई और वाई नॉट एंड आंसर इज अनडाउटली आर्टिस्टिक एक्टिविटीज कैन मेक पीपल हैप्पी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ लोगों को खुश कर सकती हैं बिकॉज आर्ट गिवस रिलीफ फ्राम स्ट्रेस क्योंकि आर्ट रिलीफ देता है स्ट्रेस से एंड डॉक्टर्स आल्सो सुजेस्ट दो पीपल हु आर लोनली एंड फील ग्रीफ टू स्पेंड देर टाइम वल डूइंग आर्ट डॉक्टर भी लोगों को एडवाइज करते हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं और ग्रीफ में रहते हैं उनको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए आर्ट करते हुए बिकॉज़ इट विल पुट देयर माइंड ऑन सम क्रिएटिव थिंग्स क्योंकि ये उनका माइंड कुछ क्रिएटिव थिंग्स पर डालेगा एंड पर्सन फील फ्री फ्राम द वॉरीज एंड टेंशन ऑफ डे टू डे लाइफ और पर्सन जो हैं वो फ्री फ्री फील करेंगे टेंशन से और वॉरीज से जो वो डेली रूटीन में लेते हैं एंड फील हैप्पी और हैप्पीनेस फील करेंगे एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन इज डू यू थिंक पीपल हु हैव मोर टैलेंट आर हैप्पियर दैन दोजैन अदर्स क्या आपको लगता है कि लोग जिनमें ज़्यादा टैलेंट होता है वो ज़्यादा खुश होते हैं दूसरों की बजाय वाई और वाई नॉट एंड आंसर इज टैलेंट हैज़ नथिंग टू डू विद हैप्पीनेस हैप्पीनेस के साथ टैलेंट का कुछ लेना देना ही नहीं है बिकॉज सम पीपल आर एन हैप्पी रादर दैन हैविंग ऑल प्लाजर्स ऑफ लाइफ क्योंकि कुछ लोग तो अनहैप्पी ही रहते हैं चाहे उनकी लाइफ में उनको हर एक प्लाजर क्यों ना मिला हो एंड सम आर हैप्पी टू इवन हार्डली हैव बेसिक थिंग और कुछ लोग हैप्पीनेस फील करते रहते हैं चाहे उनके पास बेसिक थिंग्स ही हों बिग मुश्किल से हों सो हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन सो हैप्पीनेस पर्सन की बिहेवियर पर डिपेंड करता है लास्ट फॉलो अप क्वेश्चन क्वेश्चन एंड द दिम्पल आंसर बोथ आर कंप्लीट आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो दैन लाइक इट शेयर इट विद अदर्स एंड ऑल्सो कॉमेंट ब्लो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज थैंक यू